है व्हाट इज मोमेंटम. तो हम मोमेंटम को देख लेते हैं. तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, हम वो लिख लेते हैं पी इज इक्वल टू एम वी. यानी एक मास है वो वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है, तो ये सीधी सी बात है कि उसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा. तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नाउन एज मोमेंट. ये हमने जो लिखी है ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म की डेफिनेशन लिखी है. यह हमारे पास जितना भी मैथमेटिकल पोर्शन है इसको हमने एक स्टेटमेंट देके लिख दिया कि इसको हम मोमेंटम कहते हैं. लेकिन बेसिकली मोमेंटम क्या होता है हमें नहीं पता. अब हम वो बात समझने की कोशिश करते हैं. ये तो कोई भी हमें कह देता है कि ये मोमेंटम है पी इज इक्वल टू एम वी, तो आप इसे डिफाइन करते हो, हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. लेकिन जो हमारे पास बेसिकली मोमेंटम की डेफिनेशन होती है, मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है. मोशन की जितनी भी क्वांटिटी होगी हम उसको बयान करने की जो सलाहियत होती है वो मोमेंटम कहलाती है. क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम. अब आप देखिए ना कि हमारे पास ये देखिए एक क्लोज पाथ है, यहाँ पे एक बॉडी मौजूद है, ठीक है. इसका ऑटोमेटिकली इसका मास होगा, ये वेलोसिटी वी के साथ मूव करेगी. हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी मोमेंटम है, इट्स ऑल राइट. लेकिन जब आप देखेंगे ना कि उसने यहाँ से एक चक्कर लिया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब देखिए वो यहाँ तक आने के लिए भले उसके पास वेलोसिटी है, वो यहाँ से मूव करके यहाँ वापस आ रहा है, लेकिन आप देखें ना यहाँ पर क्वान्टिटी भी शो हो रही है कि उसने इतने चक्कर काटे. तो हमारे पास ये क्या चीज़ कहलाती है, ये भी मोमेंटम कहलाता है और ये प्रोडक्ट भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमारे पास मोमेंटम कहलाता है, ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम.